Xiaomi बाबा ने अभी अपने तीन फोन इंडिया में लॉन्च करे हैं। एक है Redmi का Note 12, दूसरा है Redmi का Note 12 Pro और जो तीसरा है वो है Plus वाला। तीनों फोन 5G वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 12 Pro की। लगभग 15 दिन से मैं इस फोन को अपना प्राइमरी डिवाइस बना के यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या अच्छी बातें हैं, कहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यार आगे बढ़ने से पहले बहुत सारा लाइक आना चाहिए, आजकल आप लाइक कम करते हो, बहुत सारा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी पक्का करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 5G की। देखिए यहां पर आपको बहुत सारे 5G के बैंड देखने को मिलते हैं, बिंदास 5G वाला नेटवर्क भी यार आपको यहां पर मिल जाएगा, 4G प्लस भी है, मतलब कैरियर एग्रीगेशन। लेकिन गूगल की सत्यवादी वाली जो चाची है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब तो यार हर एक फोन में ये जो डायलर है वही देखने को मिलता है, केवल सैमसंग को छोड़ के। तो भाई बस मजबूरी हो गई है इस डायलर को यूज करने की। यदि आपको डायलर बदलना है तो अब तो जुगाड़ भी आ चुका है। यहाँ पर कोई भी माइक्रो SD कार्ड का फीचर नहीं है, आपको 5G वाले सिम कार्ड डालने का विकल्प मिल जाता है। 4G से काम चलाना है तो 4G वाले सिम कार्ड भी डाल सकते हैं, 2G 3G पता नहीं एक टाइम उनका भी था। और अच्छी बात यह है Xiaomi ने यहां पर हेडफोन वाला गड्ढा दिया है, गड्ढा मुक्त नहीं बनाया है। IR ब्लास्टर मुझे बहुत पसंद है, Xiaomi का ये फीचर यार हर एक ब्रांड को देना चाहिए। आपके घर में रिमोट हो ना हो, बस आपके हाथ में फोन हो, आप हर एक चीज को कंट्रोल कर लेंगे। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। यहां पर अभी आपको Android 12 मिल रहा है और Xiaomi वालों ने यह कहा है अगले 2 अपडेट इस फोन में आपको देखने को मिलेगा, मतलब 13 आएगा 14 आएगा। काश यार 13 में ये फोन आता तो आपको 14 भी मिलता, 15 भी देखने को मिल जाता। जो अभी सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है वो है लास्ट मंथ का, दिसंबर 2022 का। बहुत ही कम एप्लीकेशन है इधर उधर वाली। हाँ वो जो जिली पिली है इसको हटा दो, मतलब यहां पर आपको बहुत कम ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं। और इस बार Xiaomi वालों ने अपने UI में काम किया है, मुझे कहीं भी लैग देखने को नहीं मिला है, बिंदास मैं सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं। जो लोग पहले से MIUI यूज करते होंगे उनको ये पक्का पता होगा, यहां पर आपको डुअल एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है। आप यार जो सोशल मीडिया वाली एप्लीकेशन है उसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन को डबल बना सकते हैं, डुअल स्पेस है। तो ये जो UI है बीच में भटक गया था लेकिन अब धीरे धीरे करके सुधार आ रहा है। सॉफ्टवेयर आपकी पसंद है तो आप जा सकते हैं MIUI की तरफ। अब बात करते हैं हार्डवेयर की, मतलब प्रोसेसर की। ये 5G वाला प्रोसेसर है, MediaTek का Dimensity 1080। अब हमारे दिमाग में यार ख्याल आता है ये प्रोसेसर कैसा है। आपको याद है MediaTek का Dimensity 920 जो बहुत सारे फोनों में मिल चुका है, जैसे Realme का 9 Pro Plus, Xiaomi का जो फोन आया था 11i वहां पर भी यही प्रोसेसर था। लेकिन जो 1080 है ये मेरे हिसाब से उसका थोड़ा सा बड़ा भाई है, बहुत बड़ा वाला गैप नहीं है लेकिन डे टू डे लाइफ में आपको जरा सा भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बिंदास तरीके से ये प्रोसेसर काम कर रहा है। एंटीटू बेंचमार्क स्कोर आपको 500,000 प्लस का देखने को मिल जाता है, कहीं भी मुझे थ्रोटल इश्यू भी देखने को नहीं मिला है। जो स्टोरेज टाइप है ये है UFS 2.2 का, रीड एंड राइट स्पीड भी काफी बेहतर है, गीक बेंच स्कोर भी यार आपको बिंदास लगेगा। यदि आपको गेमिंग फोन लेना है तो आपके पास और भी बहुत सारे विकल्प है इसी प्राइस ब्रैकेट में, जैसे Redmi का K50i, IQ का Neo 6, IQ वालों ने यार 9SE का भी प्राइस ड्रॉप किया था, वहां पर जो प्रोसेसर है वो कमाल का है। लेकिन ये जो बंडल है ये बहुत ही बिंदास है, यहां पर प्रोसेसर भी अच्छा है, डिस्प्ले भी अच्छी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, सबके बारे में धीरे धीरे करके बताऊंगा। अब बात करते हैं बैटरी की। इस बार आपको जो बैटरी मिल रही है वो है 5000mAh की बैटरी, यार कमाल की है, एक दिन आपका बिंदास निकल जाएगा। यदि आप हैवी यूजर है तब भी यार आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बॉक्स के अंदर आपको जो चार्जर मिलता है वो है 67W का और आपको वही देने पड़ेंगे 50-52 मिनट के आसपास, आपका जो फोन होगा वो फुल टू चार्ज हो जाएगा। जो इसका बड़ा भाई है मतलब प्लस वाला, वहां पर 120W का चार्जर देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से 67W का जो चार्जर है वो आपके फोन को यार ज्यादा धीरे नहीं चार्ज कर रहा है। एक चीज के लिए तो यार Xiaomi को दाद देना बनता है, जो है 120Hz का AMOLED डिस्प्ले। जब से इन्होंने शुरुआत करी है Redmi के Note 10 Pro से,
तब से यह लाइन लगा दी है। बहुत सारे फोन मार्केट में आ चुके हैं 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ। यहां पर डिस्प्ले में यार आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आउटडोर की जो विजिबिलिटी है यह है 900 निट्स की। धूप में मैंने फोन को देखा अच्छी तरीके से, यार मैं देख ले रहा हूं हार्ड सनलाइट में भी। बहुत ही छोटा सा पंच होल है, डॉल्बी विजन भी है, डॉल्बी एटमॉस भी है, गोरिल्ला ग्लास 5 की भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। बैक में यार जो मटेरियल है ये भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक ही सजेशन है, चाहे जितना अच्छा वाला मटेरियल हो आपको बैक कवर पक्का यूज करना है। मेरा जो पर्सनल फेवरेट कलर है वो है स्टार डस्ट पर्पल। ये सबका अलग अलग हो सकता है, जो मुझे पसंद था वो मैंने आपको बता दिया। और जो फोन का वेट है ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। यदि आपने पहले बॉक्सी डिजाइन वाले फोन यूज करे होंगे तो इस फोन का जो डिजाइन है ये आपको यार अच्छा लगेगा। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कर्व डिस्प्ले नहीं है, मुझे यार फ्लैट में भी कोई इशू देखने को नहीं मिला है। नहीं यार, आपको कर्व वाला ही फोन लेना है जिसमें यार वेट कम हो, तो आपके पास Realme का फोन है जो है 10 Pro Plus। यहां पर आपको HDR 10 Plus का भी सपोर्ट मिल रहा है। और जिनको Netflix में Amazon Prime में वीडियो देखने हैं आप यार HD में देख सकते हैं, क्योंकि वाइड वैन एल्बम भी ये फोन सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं यार कैमरे की। बैक में आपको 50+8+2 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। कब सारे के सारे ब्रांड 2 मेगापिक्सल से छुटकारा पाएंगे? लेकिन अच्छी बात यह है 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर है यह सोनी का IMX766। यही सेंसर Realme के 9 Pro Plus में भी मिलता है। और जो OnePlus का फोन है ना 2T, वहां पर भी इसी सेंसर का यूज किया गया है। नाइट में मैं आपको थोड़ी सी फोटो दिखा देता हूं, यार ये काफी ब्राइट है, आई कैची वाली है, ग्रेस बिल्कुल ना के बराबर है। नाइट पे यार ये सेंसर आपको बहुत ही कमाल की फोटो निकाल के देता है। और जितनी भी फोटो मैंने दिन में भी निकाली है बहुत ही शार्प एजेस हैं, पोर्ट्रेट बहुत अच्छा है, डेप्थ बहुत अच्छा है, ना फोटो बहुत ज्यादा वार्म लग रही है, कलर को भी काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है। और ये सारी की सारी चीजें Xiaomi ने समय के साथ बदला है। अल्ट्रा वाइड वाली जो फोटो है इसे मैं डिसेंट कहूंगा। आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। ये जो फोन है ये सेल्फी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन 16 मेगापिक्सल के हिसाब से फोटो यार आपको डिसेंट लगेगी। बैक में आपको 4K 30fps का सपोर्ट मिलता है, OIS भी साथ में है। और जो वीडियो की क्वालिटी है ये मुझे ठीक लगी है, कलर को काफी अच्छे से मेंटेन किया है। और जिनको आगे से 4K वाले वीडियो रिकॉर्ड करना है नहीं मिलता है ऐसा कोई विकल्प। अब आपको यार मैं स्पीकर सुना देता हूं, यहां पर भी Xiaomi ने कटौती नहीं करी है, जरा सा सुनिए आप। डबल स्पीकर है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। बैक में मुझे कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है जब मैं स्पीकर की आवाज को 100% कर देता हूं। Xiaomi ने बहुत सारे फोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ही दिया है, साइड माउंटेड फास्ट है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं यार जब 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आप दे ही रहे हो इन डिस्प्ले दे दो, बट मुझसे आप पूछते हैं मुझे ना साइड माउंटेड से कोई इशू है ना तो इन डिस्प्ले से। हाँ, साइड माउंटेड इन डिस्प्ले से फास्ट मुझे ऐसा लगता है होता है, आप क्या कहते हो? जिस प्राइस ब्रैकेट में ये फोन इंडिया में आया है उसके हिसाब से हैप्टिक मुझे ठीक लग रहा है। अब मुद्दे की बात करते हैं, क्या आपको बाय करना चाहिए Redmi Note 12 Pro? देखिए बैंक ऑफर के बाद ये फोन 22,000 के आसपास का पड़ रहा है। प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, कैमरे में आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है, डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का मिलता है वो भी एमोलेड वाला, बहुत ही बड़ी वाली बैटरी है, फोन में बहुत ज्यादा कमी नहीं है। मेरे हिसाब से ये फोन आप बाय कर सकते हैं यदि आपको सस्ते रेट में मिले। आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपके पास है Redmi का Note 12 Pro Plus, ज्यादा पैसे देके आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, 120 वॉट का चार्जर है और बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। मेरे हिसाब से आप बाय करिए Redmi का Note 12 Pro 5G। जो मुझे लग रहा था वो मैंने आपको बता दिया, वो भी बिल्कुल खुल के। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, Redmi का Note 12 Pro जिस प्राइस ब्रैकेट में इंडिया में लॉन्च हुआ है क्या वो ठीक है? हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं 2023 में फोनों का जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए।
जो आप कहना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जाते आते यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।